भाई साहब इंडियन सिनेमा में मूवीज का इस टाइम पर रश चल रहा है। यहाँ पर बहुत सी ऐसी मूवीज आ रही थी जो लोकल लैंग्वेज से भी रिलेट कर रही थी। फिलहाल एक दो मूवीज अभी देख भी ली है तो बहुत हैवी टास्क था, लेकिन एक मूवी जो जबरदस्त हाइप क्रिएट करके, ना कि सिर्फ हाइप क्रिएट कर रही है भाई साहब, नाम कमाते जा रही है, द गॉड लाइफ मलयाली मूवी, जिसे देखने का फिलहाल मेरा कोई प्लान नहीं था क्योंकि मलयाली इतनी समझ में आती नहीं है, लेकिन भाई साहब जब इसके चर्चे सुने हैं, हर कोई इसकी तारीफ कर रहा है, मेरा मन उमड़ गया देखने के लिए। और बाई गॉड ये गोट है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। इस मूवी में भाई साहब जितनी भी तारीफ करूंगा मैं इस मूवी की, वो कम ही रहेगी, क्योंकि ये मूवी भाई दिल से बनाई गई है और ये चीज एफर्ट से पता लग रहा है, मेकर्स के एफर्ट से, देन उसके बाद एक्टर के एफर्ट से, देन उसके बाद डायरेक्टर की एफर्ट से, जिस हिसाब की उन्होंने विजन सेट करी और उस विजन को रिप्रेजेंट किया है भाई, ब्रेथ टेकिंग मोमेंट इसमें आपको इतने ज़्यादा मिलेंगे, आपकी गूज बम्स इतने ज़्यादा मिलने वाले हैं, देन उसके बाद आपकी आंखें जगह जगह इतनी ज़्यादा गीली होने वाली हैं। भले ही आपको उसकी लैंग्वेज समझ में ना आए, अगर आप केरला से बिलोंग करते हैं, मलयालम आपको समझ आती तो नो डाउट आपको मज़ा आएगा, और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन आप अगर मलयालम लैंग्वेज नहीं भी समझते हैं तो भाई जो इमोशंस का काम यहाँ पर हुआ है, जो फीलिंग का काम यहाँ पर हुआ है, एक्चुअल सिनेमा क्या होता है भाई, पहले ही जो स्टार्टिंग हुई थी वहाँ पर कोई बोल या फिर शब्द की इस्तेमाल जरूरत नहीं पड़ती थी अपने एक्सप्रेशन को, अपना एंजॉयमेंट, मतलब जो एंटरटेनमेंट है लोगों तक पहुँचाने के लिए, वहाँ सिर्फ एक्टिंग की बात चलती थी, यानी रियल परफॉर्मेंस जो फील करा सको आप, वो चीज़ यहाँ पर देखने को मिली भाई साहब। वन मतलब एक, हाँ ही एक ही आदमी आपको देखने को मिलेगा शुरू से लेके लास्ट तक, और आप बोर नहीं होंगे। आपको लास्ट में पता चलेगा कि मूवी यार इतनी लेंथी है, मतलब 3 घंटे की मूवी कब स्टार्ट होगी, कब खत्म होगी। कट टू कट ऐसे ऐसे शॉर्ट्स डाले गए हैं जो आपको इन्वॉल्व कर देंगे उस पर, और जब एक BGM उसके साथ ऐड होगा, देन उसके बाद जो कनेक्शन हटेगा ना, आपको लगेगा कि यार एक सपना देख रहे थे जिसमें हम पूरे इन्वॉल्व थे, शायद ये हमारे ही कहानी थी और एकदम से वो टूट चुका है। तो इस हिसाब का सिनेमा इन्होंने क्रिएट किया भाई, सिनेमाटोग्राफी इस फाड़ है, बिल्कुल फाड़ है। देन उसके बाद डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्टर की तो औसम है। देन उसके बाद परफॉर्मेंस की बात करें, पृथ्वीराज सुकुमारन भाई साहब, रणदीप हुडा को आपने देखा है, अगर जो अभी वीर सावरकर मूवी आई है वर्ड ऑफ बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, भाई वही एक बंदा है जो अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ एक्टिंग का जो मसाला तड़का मारता है, पृथ्वीराज सुकुमारन वो चीज करते नजर आया है इस मूवी में भाई साहब। मतलब सलार में अभी पृथ्वीराज सुकुमारन को देखा था, मजा आया था, लेकिन भाई यहाँ पर दिल लूट लिया यार ये बंदा बिल्कुल। वैसे मूवी की कहानी रियल बायोग्राफी पर बेस है, जहाँ पर एक रियल इंसिडेंट उनके साथ हुआ था, किसके साथ, नजीम मोहम्मद के साथ, और उन्हीं की बायोग्राफी दिखाई गई है। मतलब इस टाइम पर आप इस टाइम पर क्या पिछले जमाने में और इस टाइम पर भी आप सुनते ही हो कि यार गल्फ कंट्री चले जाओ, यानी सऊदी अरेबिया चले जाओ, 2 साल में आपकी जिंदगी बन जाएगी, मालामाल हो जाओगे और बस ऐसे की जिंदगी काटोगे, बस ऐसे ढकोसले तो आपने बहुत सुने होंगे। लेकिन भाई यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती है, वो कठिनाई यहाँ पर दिखाई गई है। नजीब मोहम्मद की वो जर्नी दिखाई गई है जो रेगिस्तान में फंस जाता है, और भैया जब आदमी रेगिस्तान में फंसता है तो सभी जानते हैं वहाँ पानी की कमी होने वाली है, खाने की कमी होने वाली है। एक ऐसा बंदा जिसे ना अरबी आती है ना इंग्लिश आती है, वो सिर्फ अपनी लोकल लैंग्वेज जानता है और वो चल दिया अपने घर को बनाने के लिए, क्योंकि मजबूरी ही तो ले जाती है भाई साहब। आपका फाइनेंस अच्छा है तो आपकी लाइफ अच्छी होगी, बस इसी फाइनेंस को बनाने के लिए अपना घर ही, अपना लाइफ जो हमारी लोकल लाइफ है वो छोड़कर इंसान चला जाता है, और वही चीज़ यहाँ देखने को मिली है। पृथ्वीराज सुकुमारन ने जो डेडिकेशन के साथ दिखाया है सब कुछ, भाई फील करके गया है रेगिस्तान में वो इतने सारे, मतलब आप घिर चुके हो एक ऐसी जेल में जहाँ पर दूर दूर तक कोई है नहीं, मदद के लिए कितनी भी जोर से चिल्लाओ लेकिन कोई नहीं आ पाएगा, बस वो सिचुएशन, और उस सिचुएशंस में आप ऐड हो जाओगे, और जहाँ आप ऐड हो गए समझो वो एफर्ट कामयाब हुआ मेकर्स का, जो वो दिखाना चाहते हैं अपने इस सिनेमा से। पृथ्वीराज सुकुमारन का जो ट्रांसफॉर्मेशंस मूवी में हुए हैं, लाइक स्टार्टिंग से लेके देन उसके बाद, वो खुद की शक्ल को नहीं पहचान पाता है। काफ़ी लंबे समय के बाद उसे शीशे पे अपना शक्ल देखने को मिली, ऊँट की आँख में जब उसने अपनी शक्ल को देखा तो भाई वो खुद एक बार के लिए डर जाता है, ऐसे वाले मोमेंट देखने को मिलेंगे। तो भाई वो सारी चीज़ें टच करके गई हैं, लैंग्वेज बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी, बस ये है कि सबटाइटल के जरिए, और वो सबटाइटल पर भी इतना ध्यान नहीं जा रहा था, वो एक्सप्रेशन, वो इमोशन, वो सिचुएशन, जिस सिचुएशन में वो सर्वाइव कर रहा था वो चीज़ कनेक्ट कर रही थी भाई। मूवी ऑसम है भाई साहब, सिर्फ नेशनल नहीं ऑस्कर के लिए भी अगर ये नॉमिनेट हो जाएगी तो जरूर जाके देखो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो पर, जय हिंद।